आज सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। कई दिनों से सुन रहे थे कि इरफान खान साहब की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन आज सुबह उनके बारे में ये पढ़ा कि वो हम सबके बीच नहीं रहे। बहुत डिस्टर्ब सा फील कर रहा हूँ। पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। उनकी कई सारी फिल्में देखी हैं मैंने और बहुत पसंद करता था उनको, उनकी कलाकारी को, उनकी एक्टिंग को और उनके विचारों को। काफ़ी स्ट्रेट और सिंपल इंसान दिखते थे वो। उनके जितने भी कोट्स रहते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे अप्स एंड डाउन्स में मुझे वो बहुत मोटिवेट करते थे। बचपन से उनकी कई सारी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ, जिनमें से मकबूल, आन और हैदर, अंग्रेज़ी मीडियम, हिंदी मीडियम। अभी हाल ही में मैंने अंग्रेज़ी मीडियम सिनेमा हॉल में देखी जाके, और उन्हें वापस स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लगा था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे सबसे फेवरेट एक्टर वापस अपने कठिन समय से निकल के आ चुके हैं हमें वापस एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अभी यकीन नहीं हो रहा है इस बात का कि वो हम सबके बीच में नहीं रहे। मैं इस कठिन समय में उनकी फैमिली को कंडोलेंसेस देना चाहूँगा। प्रेयर्स करता हूँ कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है, इससे वो लोग निकल पाएँ, और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रेयर्स करूँगा। सभी फैंस, जितने भी लोग उनके एडमायरर्स थे, उन सबसे चाहूँगा कि वो सब भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। एक बहुत ही लेजेंडरी कलाकार मैं कहूँगा, हमारी इंडस्ट्री ने आज खो दिया है। इरफान खान साहब ने सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना एक मुकाम बनाया। बहुत कम लोग ऐसे हासिल कर पाते हैं, ये उनमें से एक बहुत ही बड़ा नाम बन गए थे। और उनकी कमी मैं हमेशा महसूस करूंगा, लेकिन मैं उनको अपने दिल में एक कोने में हमेशा बसा के रखूंगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि भगवान अगेन उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। बहुत साल पहले डीडी मेट्रो में मैंने एक सीरियल बनाया था गुमराह, जिसमें इरफान भी मेरे साथ था। तो अब तब हम सब स्ट्रगलर्स थे, और जब इरफान को बहुत सक्सेस मिली और उसके काम की बहुत प्रशंसा हुई, और तभी जब मैंने सुना कि वो बीमार हो गया और वो लंदन गया था ठीक होने, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कर ले, अभी तो सब मिला है, अभी तो इन्जॉय करने का टाइम आया है सक्सेस। और फिर वो ठीक हो गया अंग्रेज़ी मीडियम की, तो मुझे लगा चलो थैंक गॉड ठीक हो गया। पर आज सुन के बहुत तकलीफ़ हुई, और फिर वही गुस्सा आता है यार, अभी तो सब कुछ मिला था, अभी तो इन्जॉय करने का टाइम था, क्या कर सकते हैं। एंड आई एम सो सॉरी सुतपा, इरफान की वाइफ सुतपा, आई यूज्ड टू नो हर वेरी वेल एट वन टाइम, एंड मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। मतलब अब तो यही प्रे करना है कि हे भगवान दुख सहने की शक्ति दे। और बस ये सब सुन के ऐसा लगता है बस जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना तो। इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत है, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry or
It's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of... I just want to pray for his departed soul. I just feel... sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. भारत के फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है, और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए. परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए. और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है. मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्मा और उनके परिवार के लिए. इरफान खान साहब आज हमारे बीच में नहीं है, और इस बात का हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, टेलीविजन इंडस्ट्री को, सभी को बहुत दुख है. सबसे पहले तो मैं उस परिवार को अपनी तरफ से नमन करना चाहूँगा, इरफान खान साहब के परिवार को, जिन्होंने इरफान खान साहब के साथ साथ इस बीमारी की जंग को बखूबी लड़ा है. उनकी पत्नी, उनके बच्चे, भले मैं उन्हें बहुत नज़दीकी से नहीं जानता हूँ जितना मैं इरफान साहब को जानता था, जो मैंने सुना है और समझा है कि ये 2 साल का दौर जो वो बीमारी से लड़ते रहे, उसमें उनके परिवार का बहुत बहुत योगदान है. इरफान साहब ने अपने जीवन की शुरुआत टेलीविजन से की थी, और 80s का दशक था जब मैंने, यानी कि धीरज कुमार ने भी अपने टेलीविजन के करियर की शुरुआत की थी. तो टेलीविजन के एक करियर से आहिस्ता 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 उस मुकाम को हासिल करना, जिसे कहते हैं फिल्मों का बहुत बड़ा मुकाम, इंटरनेशनल एक पोजीशन हासिल करनी, वो इरफान साहब की एक शख्सियत थी. इरफान जिंदगी जीना जानते भी थे और जिंदगी से लड़ना भी जानते थे. अपने करियर के अंदर उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की, बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में की, और रंगमंच से जुड़े होने के कारण उनका जो आत्मविश्वास था वो कमाल का था. एक छोटा सा किस्सा आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा. हम किसी एक फंक्शन के अंदर थे, मैं और इरफान खड़े हुए थे, तो कुछ स्टेज से जुड़े हुए, रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार आए, और उन्होंने आके इरफान को प्रणाम किया और जैसे पैरों पर हाथ लगा लगा उन्होंने कहा, रहने दो भाई, पैरों पर हाथ मत लगाओ, कि दलाई साहब हम भी चाहते हैं कि हम इरफान साहब आपकी तरह बने. उन्होंने कहा, देखो भाई, अगर मेरी तरह बनना है ना तो आत्मविश्वास रखो अपने अंदर, और अगर आप में आत्मविश्वास है तो यकीन मानो कि
कि आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल को पा लेंगे। इरफान, यू आर नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड, बट लेट मी टेल यू, आप जैसे कलाकार हैं, आप जैसे अच्छे इंसान दोबारा जन्म लेते हैं, और मैं जानता हूं कि आप फिर दोबारा जन्म लेकर हमारी इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। आज उनके परिवार को, उनकी पत्नी को मेरी ओर से मेरी सांत्वनाएं, और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मौके पर उनके परिवार को आप सशक्त और इकट्ठा बनाए रखें और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे प्रभु, ये आपसे मेरी प्रार्थना है।